हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और टॉपिक है एनर्जी सेक्टर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसमें क्या रिफॉर्म्स हम लेके आ सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और ये रिक्वायरमेंट आगे आने वाले सालों में मल्टीप्लाई होने वाली है। बट अगर हम अपने एनर्जी सेक्टर को देखते हैं तो हमारे एनर्जी सेक्टर एक्चुअली बहुत सारा बटा हुआ एनर्जी सेक्टर है। हमारे एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा डिफरेंशिएशन है। हमारे पास अलग अलग मंत्रालय हैं जो एनर्जी को डील करते हैं। जैसे हमारे पास एक अलग मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, दूसरा मंत्रालय है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कोल, तीसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड न्यूक्लियर एनर्जी को एक अलग डिपार्टमेंट देखता है। तो इस तरह से हम कभी भी जो यूनिफाइड पॉलिसी है एनर्जी को लेके वो नहीं बना पाते हैं। यूनिफाइड पॉलिसी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है हिंदुस्तान में आज की डेट में कि यूनिफाइड पॉलिसी नहीं बना पा रहे हम इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, एंड हमारा जो पावर सेक्टर है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान आज की डेट में एक पावर सरप्लस देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? पावर सरप्लस। इसको समझना बहुत जरूरी है। पावर सरप्लस का बेसिकली क्या मतलब है? पावर सरप्लस का ये मतलब है कि हम प्रोडक्शन तो कर पा रहे हैं बहुत, जितनी रिक्वायरमेंट है, बट हमारी रिक्वायरमेंट कम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं करते हैं पैसा देना पावर के लिए। तो पावर सरप्लस होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव है, बट इसके पीछे छुपा हुआ नेगेटिव भी बहुत बड़ा है कि हमारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर रहे हैं बिजली को। तो एनर्जी पूरी को हमें यूनिफाइड वे में देखना होगा। जब तक हम इतने मंत्रालय जो हमने बना रखे हैं उनको इकट्ठा नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। अभी देखिए, अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, सिर्फ बिजली की कैपेसिटी की अगर हम बात करें, बिजली देखिए कितने अलग अलग रिसोर्सेज से हिंदुस्तान में पैदा हो रही है। 2017 का डाटा है ये वाला, बट ऑलमोस्ट 19 में बहुत बड़े बदलाव नहीं आए हैं। हाइड्रो पानी से बिजली हम 14% पैदा कर रहे हैं, न्यूक्लियर से हम बिजली 2% के आसपास पैदा कर रहे हैं, गैस का रोल है 8%, सबसे बड़ा रोल किसका है? कोयले का रोल है। मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंटीग्रेशन होना क्यों जरूरी है, क्यों सब मंत्रालय को इकट्ठे बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि एनर्जी के विषय में हिंदुस्तान कैसे एक डायरेक्शन में जाए। आज की डेट में हम मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, जो बिजली पैदा करने वाला मंत्रालय है हमारा, वो और कोल मंत्रालय का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में आ गई है कि देखिए, आज की डेट में हिंदुस्तान के पास थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं कोयले के, बट उसके बावजूद हम क्या करते हैं, 200 मिलियन टन्स ऑफ कोल हम आज की डेट में भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मिलियन मेट्रिक टन्स। तो इतना ज़्यादा कोयला आज की डेट में हम इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्पाइट इंडिया बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल। अभी हम कोल क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, कोल की क्या प्रॉब्लम्स है, कोल की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये एक अलग इशू है, इसको एक अलग क्लास में हम डील करेंगे। देखिए, जब कोयले का जब इलेक्शंस पास में आते हैं तो सरकारी कंपनियां जो प्रोडक्शन में लगी हैं उनको ज़्यादा कोयला मिलना शुरू हो जाता है, एंड जितनी हमारी इंडस्ट्री है, देखो हर एक इंडस्ट्री ने, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों ने अपने खुद के बिजली को प्रोड्यूस करने के प्लांट्स लगा रखे हैं। उन प्लांट्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कैप्टिव प्लांट्स कहते हैं, दे आर नोन एज कैप्टिव प्लांट्स। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, व्हाट आर कैप्टिव पावर प्लांट्स। कैप्टिव पावर प्लांट्स ये वो प्लांट्स हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री ने अपने खुद के लगा रखे हैं, क्योंकि सरकारी बिजली का तो आपको पता नहीं है कब आएगी और कब चली जाएगी, क्योंकि उनको बिजली कंटिन्यूअसली चाहिए उनको बिजली,
तो दे कांट अफोर्ड कि वो सरकार के ऊपर इस चीज को छोड़ दे, तो उन्होंने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं। पर जब इलेक्शंस पास में आते हैं, लोगों को बिजली कंटिन्यूसली देना पड़ता है, हम बंद नहीं कर सकते हैं बिजली को बहुत टाइम तक, तो उस टाइम पे जो कोयला कैप्टिव पावर प्लांट्स को जाना चाहिए वो चला जाता है सरकारी बिजली प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज को, कैप्टिव पावर प्लांट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारी इंडस्ट्री लॉस में चली जाती है, हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती है। एंड ऐसी भी सिचुएशन आती है हिंदुस्तान में, ये तो वो सिचुएशन है कि कोयला मतलब चला गया सरकारी कंपनियों को और इंडस्ट्री के पास नहीं चला गया। ऐसी भी सिचुएशन आती है जब जितना पावर जनरेशन वाला सेटअप है हमारा, जितनी ज्यादा हमारी प्रोडक्शन हो रही है प्लांट्स में, जितनी वो कर सकते हैं उस कैपेसिटी से वो कम करते हैं प्रोडक्शन। क्या कारण है कि कम क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों की डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है, इंडस्ट्री से डिमांड कम हो जाती है, इन दैट केस एक और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम इमर्ज हो जाता है कि हमारे पास प्लांट्स की कैपेसिटी ज्यादा है बट हम क्या नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, हम कोयला नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। कोयला हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? क्योंकि कोयले को जिस तरह से एलोकेट किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने आधे लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए, तो आधी प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट कोयले की माइनिंग से कम हो गई है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम तब इमर्ज हो रही है जब हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता लगता, पावर कोयला मंत्रालय को ये नहीं पता लगता कि बिजली की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना कोयला यूज होगा, कितना कोयला प्राइवेट सेक्टर यूज करेगा, कितना कोयला पब्लिक सेक्टर यूज करेगा, कितना रिक्वायरमेंट है कोयले का। तो इस चीज को लेके अलग अलग मंत्रालय ऑपरेट करते रहेंगे, उनमें तालमेल की कमी आ जाती है, कोऑर्डिनेशन का कमी आ जाता है। ये मैं आपको बता के रखा हूं क्या कारण है लो पे लोड फैक्टर का। पे लोड फैक्टर क्या होता है? पे लोड फैक्टर होता है कि कितनी बिजली एक प्लांट बना सकता है, ठीक है, एंड कितनी वो बना रहा है, दैट इज द पे लोड फैक्टर। कितनी बना रहा है और कितनी वो मैक्सिमम बना सकता है। तो हमारे प्लांट्स की कैपेसिटी तो ज्यादा है, बना हम कम रहे हैं क्योंकि एक तो कोयले का अवेलेबिलिटी कम रहता है, कोयला हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, एंड ये भी एक डर रहता है कि कई बार डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये पूरा कनेक्शन पता होना चाहिए ना, मंत्रालय पावर का मंत्रालय कोल वाले को बताए कि डिमांड कम हो गया है तो माइनिंग कम करेगा, वो बताए कि डिमांड ज्यादा है तो वो माइनिंग ज्यादा करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में क्या है कि जो एनर्जी में है फ्लक्चुएशंस बहुत आ रही हैं। अभी कोयला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी के सेक्टर में हिंदुस्तान में, बट आने वाले सालों में कोयले का रोल कम हो जाएगा। आने वाले सालों में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आने वाले सालों में सोलर एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो जितने भी मंत्रालय हैं उनको आपस में पॉलिसी को डिसाइड करना पड़ेगा, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे उतना ज्यादा लोगों के लिए इजी हो जाएगा, सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन बहुत है पावर सेक्टर में। कितने मंत्रालय हैं अभी देखेंगे हम। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, एंड हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी को डील करने के लिए एक अलग सेटअप है, एंड बहुत सारे कोऑर्डिनेट बहुत सारे रेगुलेटर्स बहुत हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। हमारे पास रेगुलेटर है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हमारे पास है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो हमने बहुत सारे संस्थान क्रिएट कर दिए हैं, आपस में उनका सिस्टम नहीं है। तो इस चीज को लेके सरकार भी बहुत परेशान थी, सरकार को भी ये देखिए अगर आपने हिंदुस्तान को शक्तिशाली देश बनाना है तो बहुत जरूरी है कि आपके पास अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो किसी देश के ऊपर। अगर आप मिडल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर कल को वहां पे लड़ाई लग जाता है, कुछ हो जाता है मिडल ईस्ट कंट्रीज में, या मिडल ईस्ट कंट्रीज हमें तेल देना बंद कर देते हैं, या हमें जो कोयला हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम कोयला इंपोर्ट नहीं कर पाते, कुछ लड़ाई हो जाता है समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो इस कंडीशन में हिंदुस्तान क्या करेगा?
इंपोर्ट के ऊपर हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की तरक्की किसके ऊपर खड़ी है, एनर्जी के ऊपर खड़ा हुआ है देश का तरक्की। अगर आपके पास अपने एनर्जी के सोर्सेज हैं तो ये मान के चलिए कि आप हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश बना सकेंगे, नहीं तो नहीं बना सकेंगे। तो केलकर कमेटी का रिपोर्ट आया था, सरकार ने सेटअप किया था। किसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है, इन्होंने रिपोर्ट थी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंसी इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। 2030 तक आपने इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करना है, ठीक है। तो केलकर कमेटी ने ये कहा कि भैया इतने मंत्रालय क्यों खड़े किए हुए हैं आपने, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज आर करंटली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एनर्जी रिलेटेड इशूज प्रेजेंटिंग चैलेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो एनर्जी सिक्योर नेशन अगर आपने क्रिएट करना है तो आपको एक सिंगल मंत्रालय बेसिकली बनाना पड़ेगा एनर्जी को लेके, अलग अलग नहीं कर सकते। यही रिकमेंडेशन बेसिकली नीति आयोग का भी रहा है। नीति आयोग ने भी ये कहा था कि एक यूनिफाइड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी होना चाहिए, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, एक ऐसा मंत्री हो जिसको पता लगे कि यार किस सोर्स के ऊपर हमें फोकस करना है, कौन सा सोर्स हिंदुस्तान को हेल्प करेगा। अभी सब अलग अलग मंत्रालय हैं, सब पूरा जोर लगा रहे हैं, कोयले वाला कोयले के ऊपर जोर लगा रहा है, ठीक है, पावर वाला पावर के ऊपर जोर लगा रहा है मंत्री, ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले वो अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम वाला अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, सबको एक कर दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये तो अलग रख दीजिए क्योंकि ये न्यूक्लियर इशू को लेके चल रहा है। मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है कि 6 एजेंसीज होनी चाहिए जो इनको हैंडल करेंगी, जो मंत्रालय होगा अलग अलग चीजों को जो हैंडल करेंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग एजेंसी होना चाहिए, प्लानिंग एंड टेक्निकल एजेंसी अलग होना चाहिए, एनर्जी की स्कीम्स किस तरह से इंप्लीमेंट हो उसके लिए एक अलग नीचे एजेंसी हो, एक ही मंत्रालय के नीचे इतना सेटअप होना चाहिए, पर कंट्रोल कौन करे, सिंगल मंत्रालय। बिजली के रेट्स को एक अलग बॉडी होना चाहिए, आज की डेट में हर एक चीज को अलग बॉडी रेगुलेट कर रही है, पेट्रोल के रेट्स को अलग बॉडी रेगुलेट कर रही थी वो कम हो गई है, बिजली के रेट्स को अलग बॉडी रेगुलेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने किसी और को दे रखा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये सारी दूर हो जाएंगी अगर आप कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अब देखिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन कहाँ पे आया है। अगर आप पानी का मंत्रालय देखें, देखो हमारे पास पानी के मुद्दों को लेकर दो मंत्रालय थे, एक मंत्रालय था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, अलग मंत्रालय था हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का। भैया पानी तो एक है, तो पूरे पानी को डील करने के लिए, पानी के हर मुद्दे को डील करने के लिए, चाहे पानी कृषि क्षेत्र को चाहिए, चाहे पानी लोगों को पीने के लिए चाहिए, चाहे पानी की सफाई की बात हो जाए, चाहे पानी की डेवलपमेंट की बात हो जाए, किस तरह से पानी को बचाना है, तो एक ही मंत्रालय होना चाहिए जो सारे मुद्दों को डील करेगा। क्योंकि अगर आप पानी को साफ कर पाएंगे, ठीक, अगर आप पानी के रिसोर्सेज को बढ़िया कर पाएंगे तभी लोगों को पीने के लिए दे पाएंगे, तभी लोग उस पानी को सैनिटेशन के लिए यूज कर पाएंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली लिंक्ड, टू मच ऑफ डिफरेंशिएशन इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। बहुत सारे मंत्रालय बना के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। देखिए पानी का अब इन्होंने एक कर दिया, ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एंड यूपीएससी मेन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोऑर्डिनेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है मंत्रालयों के बीच में। वाटर मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे आया है, बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल है, बहुत सारे आंसर्स में आप इसको लिखिएगा। प्लस इतने मंत्रालय को इकट्ठा कर दीजिए, आंसर को हैवी बनाने के लिए नीति आयोग का रिकमेंडेशन दीजिए, आंसर को हैवी बनाने के लिए केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन दीजिए। जितना आंसर हैवी होगा उतना ज़्यादा मार्क्स आपका आ जाएगा। पेलोड कैपेसिटी क्या होता है, पेलोड फैक्ट्री क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। हिंदुस्तान में बहुत पेलोड कम है। कैप्टिव पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद लगाते हैं, उनको कोयला नहीं मिलता है तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती है। तो इसको इकट्ठा लेके चलिए।
चलिए दिस वॉज ऑल फॉर द डे. इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और भी क्लास लेके आएंगे एनर्जी सेक्टर के ऊपर जिसमें कोयले का डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है एंड उस टॉपिक के ऊपर हम क्लास बनाएं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. एंड अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है मैजिका, तो मैजिका को आप डाउनलोड कर सकते हैं. IAS आंसर राइटिंग मैजिका, ये पूरा नाम है IAS आंसर राइटिंग मैजिका. उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए. चलिए दिस वॉज ऑल फॉर द डे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे.